नमस्कार। पल्मोनरी मेडिसिन के एक नए टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। हम यहाँ पर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कम्युनिटी मेडिसिन या PSM के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हम पैथोलॉजी में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा मकसद है मोटे तौर पर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझने का। यह प्रॉब्लम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, यह बात हम जानते हैं, और लंग आमतौर पर इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन इनहेलेशनल होने की वजह से, मोस्ट कॉमन रूट इनहेलेशनल होने की वजह से लंग्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अधिकतर मामलों में इंडिया जैसी कंट्री में बच्चों में इसका इन्फेक्शन बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही मिल जाता है। इनहेलेशनल रूट से ट्यूबरक्लोसिस बॉडी में एंटर कर जाती है, लेकिन यह हर मामले में दिक्कत पैदा करे ऐसा जरूरी नहीं है। यह लोकलाइज्ड रहते हुए बॉडी में कहीं पड़ी हुई रह सकती है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, ये जब एक बार इनहेलेशनल रूट से बॉडी में एंटर करती है, खासतौर पर लंग्स में, तो इसका एक प्राइमरी फोकस तैयार होता है। बॉडी की इम्यूनिटी इसे चारों ओर से घेर लेती है और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पांस जनरेट करती है। बॉडी में इसके खिलाफ जो लोकलाइज्ड रिस्पांस प्रोड्यूस होता है उसे गॉन फोकस कहते हैं। यह कोई दिक्कत पैदा नहीं करने पाता। प्राइमरी लोकेशन पर अगर यह पड़ा हुआ गॉन फोकस, तो यह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने पाता है। इस इमेज में हम देख सकते हैं गॉन फोकस को, और यहां पर देखिए गॉन फोकस आपको दिखाया जा रहा है। इस गॉन फोकस के साथ अफेक्टेड लिम्फ नोड्स को भी यहां पर दिखाया गया है, जिसके लिए हम गॉन कॉम्प्लेक्स का टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम देखें गॉन फोकस क्या होता है। लंग में होने वाला लीजन जो कि प्राइमरी टीबी की वजह से होता है, या अपर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, यानी लोअर लोब के अपर सेगमेंट में, देखिए ना, लोअर लोब के अपर सेगमेंट में या फिर अपर लोब के लोअर सेगमेंट में, अपर के नीचे, नीचे के ऊपर, इस लोकेशन पर गॉन फोकस बनता है। अगर प्राइमरी या पेरिफेरल जो गॉन फोकस है उसके साथ ही साथ मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स या हाइलर लिम्फ नोड्स के इन्वॉल्वमेंट को भी जोड़ दिया जाए तो यह गॉन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। गॉन कॉम्प्लेक्स यहां पर आप देख सकते हैं बनते हुए मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स के साथ इसके कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है। यहां पर हम देख सकते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स ये क्या है। यह लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, जो इनहेलेशनल रूट से आने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एक जगह पर लोकलाइज रखता है। इसीलिए अधिकतर पेशेंट्स में डिजीज नहीं हो, मीन्स डिजीज का प्रेजेंटेशन आपको क्लिनिकल फीचर्स नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट इस डिजीज को चाइल्डहुड में ही ले लेते हैं, लेकिन यह कोई समस्या पैदा नहीं करने पाता है। याद रखिएगा, अधिकतर मामलों में यह बचपन में ही इसके इन्फेक्शन हो जाते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने पाता है, क्योंकि यह लोकलाइज्ड लेवल पर प्राइमरी फोकस, गॉन्स फोकस, जो कि लंग्स के मिडिल पार्ट में, मैंने आपको दिखाया था ना, जिसको डिफाइन किया गया था अपर लोब के लोअर में या लोअर लोब के अपर साइड में, यानी मिडिल पार्ट ऑफ लंग्स में इसका मोस्ट कॉमन साइट देखा जाता है। इस तरीके के गॉन्स फोकस बनने का कोई समस्या नहीं होती इससे। इन्फेक्शन तो है लेकिन कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में कुछ खास किस्म के एलर्जिक रिस्पॉन्स, चूंकि इम्यूनिटी इसके खिलाफ डेवलप होगी, तो इसके खिलाफ इम्यूनिटी की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स यहां पर डेवलप होगा, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिल सकते हैं, जैसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस मिल सकता है। अगर इस तरीके का हाइपर सेंसिटिविटी ट्यूबरकुलर बैसलाई के इन्फेक्शन के बाद डेवलप हो रहा आंखों में, खासतौर पर कंजक्टाइवा में, तो इसे फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन है और यह किसी एक आंख में देखने को मिलता है। इसमें लैक्रिमेशन, इरिटेशन या फिर फोटोफोबिया की प्रेजेंटेशन हो सकती है। इस इमेज में हम देख सकते हैं ट्यूबरकुलर बैसलाई के खिलाफ जो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हुई है आंखों में, फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस डेवलप हुआ है, उसको हम यहां पर अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आमतौर पर कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन
हो सकता है कुछ बच्चों में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या फिर फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों में चूंकि यह आउटर साइड में होता है इसलिए प्लूरल इफ्यूजन भी डेवलप कर सकता है। हालांकि अधिकतर मामलों में प्राइमरी फोकस कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन अगर ये दिक्कत करे तो प्लूरल इफ्यूजन कर सकते हैं क्योंकि आउटर साइड में गोन फोकस डेवलप होता है, इस वजह से यहाँ प्लूरल इफ्यूजन हो सकते हैं। अगर प्राइमरी फोकस रप्चर हो जाए तो ये हेमेटोजिनस रूट से स्प्रेड कर सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट तक पहुंच सकता है, खास तौर पर लंग्स को ही पूरा का पूरा इन्वॉल्व कर सकता है। इस वजह से मिलियरी टीबी यहाँ डेवलप होती है। मिलियरी टीबी यानी मिलेट सीड शेप लीजन लंग्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ हेमेटोजिनस रूट से जब ये पूरे पूरे लंग को इन्वॉल्व कर ले रहा है तो आप देखिए ये मिलियरी टीबी में मिलेट सीड लाइक लीजन आपको पूरे के पूरे लंग्स में देखने को मिल सकते हैं। इस चीज को हम यहां पर अप्रिशिएट कर सकते हैं। मिलियरी टीबी के मामलों में ऐसा देखा गया है कि स्पुटम टेस्ट नेगेटिव होता है, चेस्ट एक्सरे पर ही इसे हम कंफर्म कर पाते हैं। चेस्ट एक्सरे पर ही हम इसे कंफर्म कर पाते हैं। ऐसे लोगों में वाइड स्प्रेड हो चुका है, उसके खिलाफ जबरदस्त रिस्पॉन्स डेवलप हो चुका है। ओवरऑल लंग्स में तमाम तरीके के लीजन वाले साइट्स हमें मिलेंगे, लेकिन स्पुटम टेस्ट नेगेटिव होता है। याद रखना है मिलियरी टीबी में हमें चेस्ट एक्सरे की मदद से डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है। अगर पर्सन लो इम्यूनिटी के हैं तो उनमें सेकेंडरी एक्टिवेशन ऑफ टीबी हो सकता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया प्राइमरी फोकस था, प्राइमरी फोकस पर लोकलाइज था, आमतौर पर कोई समस्या नहीं पैदा करता है। लेकिन अगर ये समस्या पैदा करेगा तो क्या करेगा? प्लूरल इफ्यूजन कर सकता है। और क्या कर सकता है? हेमेटोजिनस रूट से पूरे के पूरे लंग को इन्वॉल्व कर सकता है, मिलेरी टीबी करा सकता है। और क्या हो सकता है? बच्चों में एलर्जिक रिस्पॉन्स डेवलप हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अधिकतर मामलों में कुछ होता नहीं है, ये अपने लोकेशन पर ही पड़ा रहता है। लेकिन अगर इम्यूनिटी लो हो जाए, कमजोर हो जाए इम्यूनिटी, तो क्या होगा? यह सेकेंडरली एक्टिवेट होगा। ऐसा डायबिटिक पेशेंट्स में या फिर लो इम्यूनिटी वाले स्टेट्स में, माल नरिस्ट लोगों में इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी एक्टिवेशन हो सकता है। अब की बार यह अपर लोब को ज्यादा तौर पर इन्वॉल्व करता है और इस दौरान कैविटेशन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे मामलों में स्पुटम टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। हम यहां पर देख सकते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ, इस वजह से इसे स्प्रेड होने का मौका बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है। यह हो सकता है लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करे तो इसके कारण घोन कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कैसियस नेक्रोसिस मिलेगा। ये सारी चीजें हम जानते हैं, हमने इससे पहले सार्कोइडोसिस में पढ़ा था, वहां पर भी ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होता है लेकिन वो नॉन कैसियस होता है। तो अब हम सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में हमने क्या बताया? आपको बताया कि पहली बार हुआ है ऐसा मामला, जो पहले कभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए थे उनमें प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, या गॉन कॉम्प्लेक्स या चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसमें पेरिफेरल लेवल पर लीजन मिलते हैं और हाइलर लिम्फ नोड्स को चेस्ट रेडियोग्राफ में हम डिटेक्ट कर पाएंगे, ऐसी कोई बहुत ज्यादा जानकारी हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में ऐसे लोगों में जिसमें पहले एक बार इन्फेक्शन हो चुका है या फिर जो सेंसिटाइज्ड हों, उनमें सेकेंडरी या पोस्ट प्राइमरी या री इन्फेक्शन या क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस के मामले देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी में लो इम्यूनिटी के स्टेट में सेकेंडरी एक्टिवेशन ऑफ टीबी हुआ है, यह अपर लोब में होता है। मैंने आपको बताया यहां स्पुटम टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में कैविटेशन होता है, वहां पर पॉजिटिव मिलेगा। यहां पर देखिए प्राइमरी में मैंने आपको क्या दिखाया था, प्राइमरी मैंने बताया था ना पेरिफेरल लीजन होगा, ये प्राइमरी लंग लीजन है जिसमें लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसके कारण गॉन कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अभी यहां से ये हेमेटोजिनस रूट से जाकर के पूरे पूरे लंग को इन्वॉल्व कर ले, इसके कारण मल्टीपल लीजन हो सकते हैं। ये कैविटेशन जो फॉर्म हुआ है या जो लीजन फॉर्म हुई, ये मल्टीपल हैं लेकिन इसमें स्पुटम टेस्ट नेगेटिव है। ये पोस्ट प्राइमरी सिचुएशन होती मलेरी टीबी की, जबकि सेकेंडरी एक्टिवेशन के दौरान हमें स्पुटम टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। प्राइमरी के बाद जो हमें मिलते हैं वो पोस्ट प्राइमरी मलेरी में नेगेटिव स्पुटम होता है। सेकेंडरी एक्टिवेशन ऑफ टीबी को हम जिस फोकस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसे साइमंड्स फोकस कहते हैं।
साइमन फोकस कैसे बनते हैं उसको एक बार हम यहाँ पर इमेज में देखने की कोशिश करेंगे और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये इंटर किया, इसने गॉन कॉम्प्लेक्स बनाए और इसका फ्यूचर क्या होगा? मोर देन 90% लोगों में यह हील कर जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है गॉन फोकस और उसके भीतर डॉर्मेंट ऑर्गेनिज्म हो सकता पड़ा रहे। लेस देन 10% लोगों में यह प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस करा सकता है। यह बच्चों में बहुत कम हो पाता है, 90% लोगों में कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन 10% या उससे भी कम लोगों में हमें यह प्रोग्रेस करता हुआ मिलता है। कुछ बच्चों में या रेशियल ग्रुप्स में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में प्राइमरी इन्फेक्शन का फ्यूचर हो सकता है कि टीबी के साथ प्रेजेंट करे, लेकिन 90% में बॉडी इम्यूनिटी सक्सेसफुली इसको दबा करके रखती है। लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या मॉलनरिस्ट स्टेट हो तो यह रीएक्टिवेट कर सकता है। और आप देखिए यहां पर गॉन फोकस पेरिफेरल लेवल पे था, मिडिल ऑफ लंग्स में था, लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिवेशन होता है इसमें कैविटेशन का फॉर्मेशन होता है अपर लोब ऑफ लंग्स में। मैंने आपको बताया ना, अब हमें इसका स्पुटम टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। यह सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है, सेकेंडरी एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, इसमें स्पुटम टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। इतना ही नहीं, अब यह अगर स्प्रेड करे तो ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। यहां सेकेंडरी एक्टिवेशन के दौरान ये ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। ब्रेन में हो जाए तो मेनिंजाइटिस, वर्टिब्रे में हो जाए तो आप समझ सकते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पाइन, लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है। देखिए एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, लंग्स को पूरा का पूरा इन्वॉल्व कर सकता है, लीवर, स्प्लिन, एड्रिनल, ज्वाइंट्स, लॉन्ग बोन्स को ये इन्वॉल्व कर सकता है। खैर यहां पर जो इसका सेकेंडरी फोकस अभी हमें दिख रहा है इसे हम कहते हैं साइमन्स फोकस, और साइमन फोकस में स्पुटम टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलता है। ये बात हमें जानकारी में रहना चाहिए कि हमारे कंट्री में जहां पर टीबी के मामले बहुत कॉमन होते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, हिमाप्टोसिस यानी कफ विद स्पुटम और कफ के साथ ब्लड भी आ रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ अगर ये प्रेजेंट कर रहा है तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। 2 वीक से ज्यादा का अगर कफ हो रहा है तो वह टीबी हो सकती है। हिमाप्टोसिस क्यों हो रहा है, मींस कफ के साथ ब्लड मिक्स्ड क्यों आएंगे, ब्रोंकियल आर्टरी के रप्चर करने की वजह से हिमाप्टोसिस होता है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन में मिल रही हैं तो फिर हमें स्पुटम का एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। ये टीबी मैंने आपको बताया कि बॉडी के किसी भी पार्ट में पहुंच सकता है, सेकेंडरी एक्टिवेशन के बाद अगर वे स्प्रेड करेगा तो बहुत सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। हम यहाँ पल्मोनरी टीबी की बात कर रहे हैं, तो स्पुटम जो हमें मिलेगा उसमें एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए हम स्टेनिंग करने के लिए पेशेंट का स्पुटम लेंगे, जेडन स्टेनिंग की जाती है और इसमें जील नीलसन स्टेनिंग के बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की प्रेजेंस को हम कन्फर्म कर लेते हैं। इसके लिए 2 स्पुटम हम सैंपल लेते हैं, स्पुटम के सैंपल हम 2 सैंपल लेते हैं, जिसमें पहला सैंपल जो ही पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचते तुरंत लेते हैं और दूसरा हम बोलते हैं वो नेक्स्ट डे का अर्ली मॉर्निंग का पहला सैंपल स्पुटम का लेकर के आएंगे, उसकी हम जांच करते हैं और चेस्ट एक्सरे की एग्जामिनेशन के साथ कोरिलेट करते हैं। हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड स्पुटम एग्जामिनेशन को माना गया है, चेस्ट एक्सरे के साथ हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। मॉन्टू टेस्ट भी कराई जा सकती है, मॉन्टू टेस्ट में इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स एंटर की जाती है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स डाल करके हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के बाद हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को देखने का प्रयास करते हैं, बॉडी कितना इम्यून हो चुका है उसको हम चेक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मॉन्टू टेस्ट में करते क्या हैं उसको आप यहाँ पर देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर इंट्राडर्मल प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को डाला जाता है, पीपीडी को डाला जाता है, 0.1 ml इसका इंजेक्शन दिया जाता है, लेफ्ट फोर आर्म के एंटीरियर एस्पेक्ट पर देते हैं और 48 आवर्स के बाद हम रिस्पॉन्स देखने का प्रयास करते हैं। कैसा है रिस्पॉन्स, स्किन में इंड्यूरेशन हार्डनेस डेवलप हुआ या नहीं हुआ है, इंड्यूरेशन या हार्डनेस को हम चेक करने का प्रयास करते हैं।
इंड्यूरेशन और एरिथमा के साथ, ये देखना, ये हार्डनेस और एरिथमा की प्रेजेंस है, ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इंड्यूरेशन और एरिथमा बना है। अब हम इंड्यूरेशन का या उस हार्डनेस का को मेजर करने का प्रयास करते हैं, क्या यह 5 सेंटीमीटर के आसपास है या फिर 5 to 9 सेंटीमीटर के आसपास है या फिर 10 से ज्यादा साइज का है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। तो हम साइज मेजर करते हैं, एंड्यूरेशन का हम साइज मेजर करते हैं। ये देखिए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कैसे की जा रही है। हम ओवरऑल हम देखने की कोशिश करते हैं एंड्यूरेशन को, एरिथमा को, और उसे मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद कितना उसका साइज है, कितने एमएम साइज है, उसकी मदद से डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। तो इसमें पीपीडी जब डाला गया, इंट्राडर्मली ट्यूबरकुलिन प्रोटीन को डाला गया, तो उसके बाद उसका डोज भी याद रखना है 0.1 ml, और 48 आवर्स के बाद हम इसे चेक करने का प्रयास करते हैं। कहाँ लगाया जाता है इंजेक्शन? इंट्राडर्मली। कहाँ? लेफ्ट फोर आर्म के इंटीरियर एस्पेक्ट पर। ये सारी गाइडलाइंस फिक्स्ड होती हैं। इसके बाद इंड्यूरेशन यानी हार्डनेस को हम मेजर करने का प्रयास करते हैं। इंड्यूरेशन और एरिथमा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेंगे। अब ट्रांसवर्स जो डायमीटर होता है उसको हम मेजर करते हैं। इस दौरान टाइप 4 या डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है, जिसके कारण एरिथमा और इंड्यूरेशन को हम मेजर करने का प्रयास करते हैं। 5 mm साइज तक अगर है तो यह निगेटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। अगर 6 to 9 mm के साइज का है तो यह बॉर्डर लाइन पॉजिटिव टेस्ट है, और 10 mm से ज्यादा बड़े साइज का है तो यह कंफर्म पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। तो याद रखना है 5 mm, 6 to 9 mm, ग्रेटर देन 10 mm, तो 10 mm या उससे ज्यादा है तो पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। यह किसके बारे में रिस्पॉन्स बताता है? तो याद रखना है कि यह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स के बारे में जानकारी देता है। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, इसके बारे में पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूबरक्लोसिस का के मामलों में हमें फॉल्स नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी 5 mm से कम साइज का हमें एंड्यूरेशन या एरिथमा मिलेगा। ऐसा लो इम्यून रिस्पॉन्स के स्टेट में हमें मिल पाता है। तो हम देखेंगे HIV के मामलों में, या माल नरिस्ट पेशेंट हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट में हुआ है, तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बेहतर नहीं होता है ऐसे लोगों में, इसके कारण फॉल्स नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो याद रखना है HIV जैसे मामलों में वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर माल नरिस्ट चिल्ड्रेन हो, या आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन जहां लो इम्यूनिटी का स्टेट हो, उसमें फॉल्स नेगेटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट पाया जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, हम इसके बारे में PSM में बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यहां हम फास्ट उसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें ATT ट्रीटमेंट यहां पर दी जाती है।